हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में कितना अंतर होता है, क्या चीजें हैं, ये मैं बिल्कुल आपको रियलिटी एग्जांपल दे के बताऊंगा। होता है क्योंकि हम अधिकतर जगह सुनते हैं जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में कि बी प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल होता क्या है? प्रोफेशनल आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में अंतर क्या है। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी आता हूं। तो दोस्तों मैं भूल गया था कि मुझे प्रोफेशनल दिखना भी है। यही अंतर होता है प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में। लेकिन प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में कई सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर। लेकिन अगर इंडिया की बात करें या कहीं की भी बात करें तो सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है प्रोफेशनल का, वो 80% आपका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, आपका जो हाइजीन लेवल है वो होता है, यानी कि आपके जैसे बाल कटे हुए होने चाहिए, अगर दाढ़ी भी है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सही करके रखनी है अपनी शेप को भी और अपने बालों को भी। रंग रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब काफी लोग ये कहेंगे कि हर जॉब में ये सारी चीजें नहीं चलती। दोस्तों यहां पर प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल की बात हो रही है। आप अगर जॉब पर भी वही कपड़े पहनते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में संडे को पहनते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन से ही आपके बारे में सामने वाला कोई भी राय बना लेता है। अब बहुत सारी जॉब में ये सारी चीजें नहीं चलती, और मैं भी डेली लाइफ में ये सारी चीजें नहीं पहनता, लेकिन कोई इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग हो, चाहे मेरी प्रोफाइल छोटी ही हो, मैं ये सारी चीजें पहन के जाने की कोशिश करता हूं, और इतना भी कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी टीम से अलग दिखने लगूं। जहां पर मुझे, मैं पहले ही अपनी टीम से बात करते रहते हैं, हम लोग अपने जो टीम है या हमारे बराबर के जो प्रोफेशनल जो मीटिंग में जा रहे हैं, हमारी प्रोफाइल के, हम उनसे बात करते रहते हैं, अगर वो लोग ये पहन के आ रहे हैं तो हम भी पहन के चले जाएंगे, अगर वो लोग केवल टाई पहन के आ रहे हैं तो हम इसको निकाल देंगे ताकि हम उनसे अलग ना दिखे। उनसे अलग दिखना भी आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी मीटिंग में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपके लेवल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर इसमें भी कंफर्टेबल है तो इसमें भी आ सकते हैं, टाई नहीं चाहिए तो टाई को भी निकाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल 80% जो प्रोफेशनल वर्ड है, 80% इसमें आपका ड्रेसिंग स्टाइल होता है और आपका हाव भाव होता है, साथ ही आपका जो हाइजीन लेवल है, जैसे सेव है सेव रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन रखना है क्लीन रखिए, हर तरह का, लेकिन साफ सुथरा रखिए। तो इस तरह से होता है, टाई भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, तो इस तरह से भी जा सकते हैं और आप ये चीज पहन के भी जा सकते हैं इस तरह से भी। और कहीं लग रहा है कि सब लोगों ने इस तरह कर रखा है तो आप ये भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मुझे देखा इस वीडियो में और अब देखा कौन सा ज्यादा इंप्रेसिव है, आप खुद ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि हर जगह पे ये सारी चीजें मेंटेन करनी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम हमको मेंटेन करना है, मैक्सिमम, उससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैं मैक्सिमम FMCG मार्केट में हूं तो ये नहीं पहन सकता, ये पहनता भी नहीं हूं, लेकिन कोई मीटिंग है, छोटी से छोटी भी मीटिंग है उसमें ये जरूर पहनता हूं, बड़ी से बड़ी मीटिंग है उसमें ये पहनता हूं। इसके अलावा कहीं पर मुझे लगता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही अच्छे लेवल का है, पढ़ा लिखा है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, और वो अपने ऑफिस में, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑफिस में ये सारी चीजें पहन के बैठते हैं जिनका बड़े लेवल का काम है, ठीक है, जैसे कि मॉडर्न ट्रेड में भी हो गया और जनरल ट्रेड में भी काफी सारे लोग होते हैं, तो हमें पहले से आइडिया हो जाता है, तो हम इस तरह से भी वहां पर चले जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में हम ऐसे जरूर जाते हैं। दूसरी चीज बताऊं कि कई सारी इंडस्ट्री में
ये प्रोफेशन अगर आप रिटेल मार्केट भी कर रहे हैं तो भी रख सकते हैं, जैसे कि फार्मा, मेडिकल, ओटीसी फार्मा, वहां पर ये पहन के ही जाना मैंडेटरी होता है। टाई लगाकर मार्केट जाना तो मैंडेटरी ही होता है, और इंटरव्यू में बिना टाई के गए तो आपका सिलेक्शन बहुत चांसेस है कि नहीं होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए आप अपने जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसको सही रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेगुलर और डेली यूज संडे में अलग चीज पहनी है, लेकिन अगर अपने वर्किंग पे हैं, अपने बिजनेस में है, अपने प्रोफेशन में है, जॉब में है, तो उसका एक अलग ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। यहां पर ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।